सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राकेश सत्येंद्र कुमार मेहता, 19 साल बताया जा रहा है, जो डोंबिवली में रहता था। हालांकि मूल रूप से ये शिवपुरी बेला औरंगाबाद बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल मुमरा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक अजय कुंभार को गुप्त जानकारी मिली थी कि 11 जनवरी को एक युवक मुमरा रेलवे स्टेशन के पास एम गेट पर आने वाला है, जिसके पास अवैध हथियार है। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अजय कुंभार, दीपक जाधव, अजीत तड़वी, सतीश खाबरे, तेजस परब, रोशनी कदम, कृष्णा आभाड़, ये पूरी टीम ने यहां पर घेराबंदी कर इस युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में इसने अपना नाम राकेश सत्येंद्र कुमार मेहता बताया और तलाशी के दौरान इसके पास से 2 पिस्तौल, 3 कारतूस और अन्य धातु पदार्थ बरामद किए गए। यानी कि कुल कीमत जो बरामद की गई इसके पास से, उसकी कुल कीमत 65,600 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 37/A 135 के साथ मामला दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया गया था और कोर्ट ने इस आरोपी को 16 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।